हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो यार आज भी मेरे पास काफी सारा इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स है पूरे गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड। तो यार वीडियो पूरा जरूर देखना। तो यार अगर आप लोग मेरा कल का वीडियो देखेंगे तो फिर आप लोगों को पता होगा जोनाथन का अभी जो सीन चल रहा है। एंड जिन लोगों को अभी भी नहीं पता है कि आखिर क्या चल रहा है, मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। तो जोनाथन के 3 साल पुराने लाइव स्ट्रीम पर वो अपने एक टीममेट से कहते हैं कि मराठी में बात नहीं करने, हिंदी में बात करने, क्योंकि उनके ज्यादातर ऑडियंस को हिंदी लैंग्वेज ही समझ आता है। और इस चीज की वजह से कुछ मराठी ऑडियंस ऑफेंड हो गए जोनाथन से, एंड जिसके लिए जोनाथन 3 साल पहले भी माफी मांगे थे। बट उसके बाद भी रिसेंटली जोनाथन के अगेंस्ट रैली निकाला गया एंड जोनाथन से सॉरी का डिमांड किया गया। एंड जॉनी भाई को पूरे मीडिया के सामने सॉरी बोलना पड़ा। एंड जोनाथन के इस मैटर के ऊपर काफी सारे स्ट्रीमर्स कमेंट किए एंड अपना ओपिनियन दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डायनोमो भाई का इसके ऊपर क्या ओपिनियन रहता है। एंड डायनो क्या बोलते हैं आप लोग देख सकते हो। जोनाथन मराठी कंट्रोवर्सी पे क्या कहना है यार? ये मैंने कल ही देखी है वीडियो, कल स्ट्रीम के बाद दोपहर में। तो मेरे हिसाब से यार कितनी 3 साल पुरानी बात है, राइट? चला बे गई। तो 3 साल पुरानी बात को 3 साल पुरानी बात को बाहर निकालना और अभी वो चीज करना, वो थोड़ा सा मुझे वियर्ड लगा है। मतलब वो थोड़ा सा गलत है काइंड ऑफ। एंड जहां तक मैंने देखा है कि वहां पे उस वाली स्ट्रीम पे शायद उसने सॉरी बोल दिया था, उसको कोई टेंशन नहीं था जो उसने बोला था, तो वो एक था। बट उसे गलत बोला था, ये बात है, उसे गलत बोला था, उसको वैसा नहीं बोलना चाहिए था। बट हाँ, वो उस टाइम थोड़ा इमेच्योर था, 3 साल पहले की बात है। मैं भी 3 साल पहले कुछ भी बोल देता था, है ना, ऐसे मुझसे जो भी निकल जाता था बोल देता था। तो कुछ साल बाद ही मुझे भी मैच्योरिटी आई, तो वैसे उसके साथ भी है कि 3-4 साल पहले इंसान को मैच्योरिटी नहीं होती है, इंसान कुछ भी बोल देता है जो उसके दिल में नहीं होता है, बट वो निकल जाता है मुझसे। तो था तो वो गलत, बट 3 साल चीज को अभी निकाल के अभी कुछ चीज करना, वो थोड़ा सा काइंड ऑफ गलत है। बट चलो, चीजें हो गई, उसको भी समझ में आ गया होगा कि अगर महाराष्ट्र में रहते तो महाराष्ट्र में किस तरीके से रहना चाहिए। नॉट जस्ट महाराष्ट्र, बट किसी भी स्टेट ले लो आप किसी भी स्टेट पे चले जाओ, है ना। जैसे ऐसा नहीं कि अगर आप कोलकाता जाओ, कोलकाता में बंगाली में कुछ भी बोल दो गलत सलत, वो भी सही नहीं रहेगा, है ना। तो वी हैव टू लाइक रिस्पेक्ट जहाँ भी हम रहते हैं उसके कल्चर को एंड उसकी भाषा को। तो दैट इज एंड मेरे को लगता है भाई काम चलना इन सबको ना एक बढ़िया सी पूजा करानी चाहिए अपने बूट कैंप पे, क्योंकि उनके पीछे कुछ जबरदस्त चीज लगी हुई है ब्रो। I think they should do some अरे भाई क्या लग गया गेम का, उनको बढ़िया से पंडित जी बुला के बढ़िया सा होम हॉल करवा लेना चाहिए। उसके बाद फिर गॉडल क्रो बताते हैं कि उनका जोनाथन से बात हुआ एंड ये सब इंसिडेंट की वजह से जोनाथन काफी ज्यादा सैड है। एंड वो जॉनी भाई को सपोर्ट भी करते हैं। वो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जोनाथन का क्या सीन है, मैं कल जोनाथन से मिला, ठीक है, वो थोड़ा सा लग रहा था भाई वहाँ सैड लग रहा था, ठीक है। तो मेरे को लगा कुछ रिलीजियस पे उसके मुंह से कुछ निकला है, तो फिर जब मैंने देखा रिसर्च कर फिर मेरे को पता चला ओके इसने कुछ बताया था वैसे इससे पहले 2-3 साल पहले वो महाराष्ट्र लैंग्वेज पे, तो उस चीज़ पे ऐसा ही दिक्कत हुआ है। फिर मैंने उसका रिसर्च किया क्या सीन है क्या, मैंने वीडियोस देखे काफ़ी सारे लोगों उनके जिन्होंने रिएक्ट किया था, बोला भी था, और ये सब चीज़ों को देख के फिर मैंने ऊपर से पूछा भी था क्या चीज़ है क्या नहीं। तो एक्चुअली सीन ऐसा हुआ था कि जब जॉनी खेल रहा था और उसके साथ खेल रहा था शांतनु, तो उस टाइम पे उसने ऐसे ही बोला है कि लोग जो होते हैं जो मतलब व्यूवर्स होते हैं, जैसे मतलब आप मेरे व्यूवर्स हो, मैं अपनी लैंग्वेज बता देता हूँ, मेरी जो लैंग्वेज है वो है कश्मीरी। अगर मैं आपको अभी लैंग्वेज कश्मीरी में बोलूँगा आपको किसी को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसने बोला ज़्यादा व्यूवर्स ऐसे हैं, मतलब उसके कहने का मतलब बोल रहा हूँ, जितने भी बंदे मेरी आवाज़ आ रही ना, ऐसा था उस टाइम पे कि व्यूवर्स है सारे ज़्यादा हिंदी है, क्योंकि आप सबको पता है मैं खुद कश्मीर हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है मतलब हिंदी बोलने में, अभी मैं सीख गया हूँ अच्छे से, बट फिर भी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ हिंदी क्योंकि सब मैक्सिमम जितने भी लोग हैं, चाहे कोई चेन्नई से अभी होगा, कोई चाहे कोई महाराष्ट्र होगा, चाहे कोई पंजाबी होगा, चाहे कोई कश्मीरी होगा, सबको हिंदी समझ आती है, ठीक है। कुछ नहीं मेरे भाई, बाकी कल मैं उससे मिला वही था सैड, फिर मैंने ये चीज़ें देखी। फिर उससे पहले जोनाथन आई थिंक 3 बार सॉरी बोला था स्ट्रीम पे, वो मैंने देखा और चोर, बट अच्छी बात है यार, चलो वो बंदी के अंदर देखो कितना हम्बल है, वो कितना अच्छा है यार, खुद देखो वो बंदा कितना अच्छा है जोनाथन, 4th बार उसको बोला सॉरी बोलने के लिए, 4th बार उसने सॉरी बोला। चलो यार आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गॉब्लिन के बारे में। तो यार कल के गॉब्लिन के लाइव स्ट्रीम पर एपिक ही सीन हो गया। होता क्या है कि कल गॉब्लिन जब लाइव स्ट्रीम पर होता है तो धीरे धीरे करके उनका वॉचिंग इंक्रीज होने लगता है, और हद तो तब हो जाता है जब गॉब्लिन का वॉचिंग 65,000 पहुंच जाता है। अब इससे गॉब्लिन को ये तो समझ आ जाता है कि कोई उनसे मजाक कर रहा है, ये फेक वॉचिंग है। यार इस चीज पर गॉब्लिन का जो रिएक्शन रहता है, उनका खुशी रहता है, वो चीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। रियल वॉचिंग है, पहले 12 की थी, फिर 38 की, फिर 60। भाई देखो आई थी 12,000 आई थी 30,000, चलो मैं मान सकता हूँ कि किसी के रेड आ गई हो गई, ये तो अनबिलीवेबल है, ये तो मतलब पता चल गया कम से कम 5-6,000 डालते हैं फेक जो डाल रहे, मेरे को अच्छा लगता कि चलो सच्चे भाई सच्चे होते हैं, ऐसा लगता है ये तो तुमने हाल बाल कर दिया भाई, हाल बाल बहुत ही गंदे काम करते हैं। मेरे को मेरे हिसाब से अगर जिसने डाले 5,000 डालता ना, समझ लो मतलब रियल लगनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लॉल्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लॉल्स इस बार BMPS के लिए रजिस्टर किया है एंड ये उनका पहला ऑफिशियल टूर्नामेंट रहने वाला है। तो लॉल्स अपने स्ट्रीम पर बताते हैं कि उनका BMPS का मैचेस अभी कैसा जा रहा है, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वो कैसे क्या मैचेस भाई, अलग लेवल है ब्रो, ऑफिशियल खेलने में बैठ गया, ये जो कापा था ना मैं पहला मैच एकदम पैनिक हो गया था, मैं दूसरे मैच से सही हो गया, मैं दूसरे मैच से थोड़ा सा समझ आ गया कि भाई कैसे क्या है सिस्टम, खुद को हैंडल कैसे करना है। मजेदार है भाई, ऑफिशियल खेलना भी अलग फील है,
मैं तो चाह रहा हूँ कि सब लोग एक एक बार ट्राई करें बैठ के, मौज आ जाएगी तुमको। मुझे तो प्यार ना भाई, क्या मारा उसने सैनॉक में, तो डोमिनेट किया भाई उसने, अकेला घुस घुस के मारा है। अच्छा टीम गेम में सैनॉक हमारा बहुत प्यारा गया, और अच्छा कन्वर्ट हो सकता था, चिकन पे कन्वर्ट हो सकता था वो, अगर कुनार हिल बैटल छोड़ के अगर वो आगे आ जाता, जो कि उसके उसके एंड के भी सही था कि हिल बैटल भी सही था, हमारे पास पोजी पॉइंट्स नहीं थे, उसके अंदर किल पॉइंट्स हम पे बहुत आ गए थे, हमने उतरते एक स्क्वाड मारा था, उसके बाद और एक मारा, तो हमारे पास 8 किल पॉइंट्स तो वहीं आ गए थे, तो हमने वही सोचा कि इसको कन्वर्ट करते मैच को, पर तो भी सही था, स्ट्रक टू आ गए। उसके बाद फिर अभी करंट BMPS का ओवरऑल मैच स्टैंडिंग्स आप लोग के स्क्रीन के सामने है, अगर आप लोग चाहो तो फिर आप लोग पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेगल्टोस के बारे में। तो यार कल के BMPS के मैच में रेगल्टोस थोड़ा परफॉर्मेंस में लैग कर गए, और उसके बाद जब रेगल्टोस स्ट्रीम पर आते हैं तो जो भी उनके फैन जोन से एक्सपेक्टेशंस रखे थे वो उन सभी से सॉरी बोलते हैं, एंड वो अपने आगे के मैचेस के लिए प्रॉमिसिंग कमिटमेंट देते हैं। वो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं यहां पे आप लोग देख सकते हो। गाइस आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे, जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे पसंद कर रहे थे देखने के लिए, मैं माफ़ी चाहूँगा यार आज की गेम प्ले को लेके। मैंने देखो पूरा ट्राई किया, जिनको नहीं पता वो समझ रहे हो, बहुत दिनों बाद और मैं बहुत टायर्ड था जैसे आया। वेल प्लेड, थैंक यू। कल ट्राई करते हैं गाइस, कल ट्राई करते हैं, तीन में से एटलीस्ट एक दो चिकन तो आए, पूरा ट्राई करूँगा, पूरा जान लगा दूँ अपना। भाई बोलते हैं यू ट्राई बेस्ट अजल भाई, हाँ अजल कर रहा है तुम्हारा भाई, सोचो यार कैसा लग रहा है मेरा जोन, बस कल जूर ना जाए यार, टच वुड, थैंक यू वेरी जान। उसके बाद फिर रिसेंटली ब्लाइंड का एक प्लेयर TS के प्लेयर्स को पैन कर देता है, एंड फिर जब सारंग स्ट्रीम पर आते हैं तो लोग उनसे बोलते हैं कि भाई ब्लाइंड से बदला लो, एंड इस चीज पर सारंग क्या रिप्लाई करते हैं वो चीज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ब्लाइंड के साथ रिवेंज चाहिए, रिवेंज क्यों चाहिए यार, अभी हर बंदे से थोड़ी रिवेंज लेते फिरेंगे, कोई ऐसा बंदा तो आए जो एटलीस्ट मतलब कुछ उखाड़ा हो लाइफ में, है ना, सबसे थोड़ी अभी पैन कर रहे करने तो खुश रहने दो भाई बच्चों को। भाई ब्लाइंड का क्या सीन है, पैन का बदला मांगता है नवीन भाई, देखते हैं अभी क्या सीन है, ऐसा कुछ है नहीं बदला लेना या कुछ, हर बंदे से थोड़ी बदला लेते फिरेंगे। सर मैं मानता हूँ आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, फैन हर्ट होता है जब घर पे आके पैन करता है, अरे कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है भाई, पैन मारने से थोड़ी खुशी मिलेगी भाई, ट्रॉफी जीतेंगे तब खुशी मिलती है ना, क्या रखा है, हर दूसरे बंदे को थोड़ी पैन मारेंगे यार, ऐसे बंदे को मारेगा ना जो एटलीस्ट कुछ कर रखा हो कभी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सेंसी के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा सेंसी का टीम BGIS के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और उसके बाद फिर सेंसी जब स्ट्रीम पर आते हैं तो उनसे एक बंदा बोलता है कि इस BMPS के लिए क्वालिफाई होना है, उस चीज का सेंसी रिप्लाई देता है, साथ ही एक बंदा ये भी कहता है कि भाई इस बार ट्रॉफी चाहिए BMPS के लिए, एंड उस चीज पर तो सेंसी एपिक ही रिप्लाई देता है, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सेंसी भाई क्वालिफाई होना है भाई, केशव भाई कैसी बात कर ली तुमने, अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर हेटर्स को और बचने का मौका नहीं मिलेगा, और हेटर्स क्या बहन से सपोर्टर भी हेटर बन जाएंगे, क्वालिफाई करेंगे उसकी चिंता मत करो। म्यू भाई इस बार ट्रॉफी चाहिए, निरंजन दास आपने मुझे 69 भेजे, मैं आपको 79 वापस भेज रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मुझे वापस मत बोलना कि इस बार ट्रॉफी चाहिए, यार मेहनत कर रहे हैं, गांड फार मेहनत कर रहे हैं, जिस दिन किस्मत में लिखी होगी ले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेगल्टोस के बारे में। तो यार आप लोगों को पता होगा SA12 को ई-स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड मिला है, एंड जिस चीज की वजह से रेगल्टोस ट्रैवल कर रहे थे तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काउंटर में लोग उनको स्कैमर समझ लेते हैं, एंड ऐसा क्या होता है जिसके वजह से वो लोग उनको स्कैमर समझते हैं वो चीज रेगा अपने स्ट्रीम पर बताते हैं, वो क्या बोलते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी मुंबई के लिए, कुछ भी नहीं था, जो फ्लाइट थी वो ऐसी फ्लाइट थी कि मैं इस टाइम पर लैंड करता मैच नहीं खेल पाता, तो मैंने फ्लाइट बुक कराई अपनी क्या कहते हैं ताकि मैं लैंड हो जाऊँ, और सबसे क्लोजेस्ट थी 12:50 लैंडिंग दोपहर के, और 3 बजे मैच था अपना, ठीक है, तो मैंने फटाफट फ्लाइट बुक कराई। तो वो फ्लाइट ऐसा नहीं वन गो नहीं थी, नॉन स्टॉप नहीं थी, लेओवर था, फ्लाइट चेंज करनी थी फिर जाना था, तो पहले मैं अबू धाबी जाता फिर वो था, तो टिकट बुक कर लिया मैं, वहाँ पे अपना बैग उठाया, लगेज पे रखा, वो वेट वाला मशीन होता ना वेइंग मशीन, उस पर रखा, 12 किलो का मेरा वो था, वो बोलते हैं 800 रियाल, ठीक है, वो बोला 800 रियाल, वो बोला हाँ, और वो इंग्लिश में बात हो रही, इंटेंस मोमेंट चल रहा है वहाँ पे, तो मेरे भाई बोलने में थोड़ा थूक से निकल गया, मैंने क्या मतलब, तो उसने बोला यस योर, मतलब उसने बताया कि आपका लगेज आपके टिकट में इंक्लूड नहीं था, मतलब कि जो भी लगेज है हैंडबैग के अलावा मुझे पे करना पड़ेगा, बोला 800 रियाल किस चीज़ की, फिर मेरे पास ना कैश ना कार्ड, और इंटेंस मोमेंट हुआ, आधा घंटा इंटेंस मोमेंट चला, समझा नहीं क्या करूँ, थक को मैच कर रहा हूँ, किसी को मैच कर रहा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर वो इंटेंस मोमेंट पे वहाँ पे मुझे एक इंडियन वर्कर मिला, उससे मैंने बोला भाई मैं आपको जीपे कर देता हूँ, पेटीएम कर देता हूँ, आप रियाल दे दो, तो वो कहता उस पर 300 रियाल थी, मैंने कहा तो जी जी हो जाएगा, कहता हाँ हो जाएगा, फिर वहाँ पे काउंटर पे कतर एयरवेज के वो इंडियन एम्प्लॉय थे वहाँ के, मतलब इंडिया से थे वो, तो वो उनको उनको ना जिस वर्कर को मैंने बोला था वो उसके पास गया, तो भाई मेरे कान में पता क्या आवाज़ आई कि ऐसे ना पैसे मत दो किसी को, ये स्कैमर होते हैं, चोर होते हैं, लेके भाग जाएंगे, ऐसे बहुत होते हैं, ये मेरे कान में आवाज़ आई, मतलब मेरे को ये समझ रहे थे कि मैं स्कैम कर रहा हूँ। फिर मैंने सैमसंग पे ऐप डाउनलोड किया, थग ने मुझे बोला ये कर, फिर अपना कार्ड डाला, फिर मैंने टैप टू पे किया, एक घंटा गया मेरा वहाँ पे, बहुत बेइज्जती हुई मेरी,
उसके बाद फिर जॉनथन का जो अभी मैटर ये सब चल रहा है उसके बारे में आईफ्लिक्स बात करता है। और उनका कहना है कि उनको लगता है कि ये सब चीज जॉनथन के अगेंस्ट कोई करवाया है प्लान करके। वो एग्जैक्टली क्या बोलते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सारी मिस अपनी गॉडले के साथ क्यों हो रहा है, एनी आइडिया? मे बी हरकतें बंद करेंगे तो नहीं होंगे। वैसे तो एक बात देखिए गाइस, थोड़ा सा गॉडले के अगेंस्ट लोगों को भी चढ़ चुका है, तो या पुराना वीडियोस भी अभी लाके यू नो जितना हो सकता है उतना तंग कर रहा है। बात तो है, जो मराठी वाली वीडियो के ऊपर जो यू नो आतंक मचाया था भाई ये कम्युनिटी में बहुत गंदा था वो। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई कोई जानबूझ के चीज करवाया है। मुझे मतलब लिटरली स्क्रिप्टेड जैसा लग रहा था कि भाई किसी ने वो लेके आया वो, और यू नो एक ग्रुप झुंड मिलके उसको बड़ा बनाया और उसके अगेंस्ट किया, और जोनी उसका पूरा का पूरा यू नो ही वेंट एज ए विक्टिम इन दैट, एंड भाई उसको सॉरी बोलते रहना पड़ा। मतलब वो चीज़ तो एटलीस्ट पूरी प्लानिंग लग रही है, बाकी दूसरी चीज़ के ऊपर मैं बात ही ना करूँ तो बेटर ही होगा। तो एटलीस्ट मैं जॉनथन के लिए तो भाई आई कैन सी दैट कि भाई उसने कुछ यार मतलब थोड़ा भी दिमाग वाले बंदे को तो समझ ही सकते हैं कि भाई कि उतना तो कुछ उसने बुरा नहीं किया था। ये सब हरकतें यार थोड़ा सा प्लान जैसा लग रहा था मेरे को, अच्छा नहीं लगा मेरे को। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सचमुच में जॉनथन के अगेंस्ट कोई ये सब चीज प्लान करके करवाया है? अपना ओपिनियन मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में। अगर आज की इस वीडियो के लिए बस इतनी, अगर आप लोगों को वीडियो जरा सही पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। ऐसी डेली गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन भी इनेबल कर देना। बाकी मिलता है कल अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।